तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। आप लोग अगर मेरा वीडियो कंटिन्यूसली देख ही रहे हो तो फिर आपको पता होगा मैं कहाँ पे हूँ। मैं दिल्ली से आ चुका था वापस अपने घर गुवाहाटी, और गुवाहाटी के अपने घर से सुबह सुबह निकल गया। और निकलने का रीज़न ये है कि घर में जो इंटरनेट लगा हुआ था, मेरा वाईफाई लगा हुआ था, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और हमारे घर में कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर का नेटवर्क नहीं आता हमारे घर पे। जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, कोई भी नेटवर्क नहीं आता। इसकी वजह से वाईफाई फिट किया था लेकिन वाईफाई भी काम नहीं कर रहा थे 4-5 दिन से, भैया बोल रहे हैं। इसकी वजह से सुबह सुबह निकल के आ गया, किसी के घर चलेंगे अभी, वाईफाई लेंगे वहाँ पे, और उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो फिर दिन भर का मेहनत आप लोग को तो कैसे पहुँचाएंगे? दिन भर का जो वीडियो बनाया, रात को जो एडिट भर जो एडिट किया वीडियो, वो सब आपको कैसे दिखाएंगे? तो फिर किसी के घर पर चलते हैं अभी, वाईफाई लेते हैं, उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं, और उसके बाद रिटर्न आएंगे, खाना वाना खाएंगे, नहा धो के रेडी हो गया था मैं, लेकिन वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है आज। हाँ चलो, सुबह सुबह जिस काम से घर से निकल के गया था वो काम तो हो गया, वीडियो अपलोड करके आ गया, और वहाँ पे भी इतना ज़्यादा टाइम लगा कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। उनके घर का भी नेट सेम है, क्योंकि नेटवर्क हम लोग का एक्चुअली सेम है, जो मैं फाइबर मेरे घर पे लगा हुआ है उनके घर पे भी सेम फाइबर लगा हुआ है, तो फिर उनके घर पे भी नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो था। हमारे घर में तो आ ही नहीं रहा, हमारे घर में तो क्या हो रहा है पता नहीं, शायद राउटर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। बंदा तो बुलाया आज ऑफिस से, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। और मम्मी भी फ़ोन कर रही थी, मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि आप खाना लगाओ, इसलिए मम्मी खाना खाने के लिए रुकी हुई थी, मम्मी पूजा सब लोग खाना खाने के लिए रुकी हुई थी। मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया आप खाना लगाओ, मैं बस पहुँच रहा हूँ। और घर पहुँच गया भागते भागते, शायद खाना लगा भी दिया होगा अब तक तो। हाँ सही गेस किया था मैंने, आप लोग भी रुके हुए थे। चलो सही है, अब खाना खाते हैं। आपको मैं अगर टाइम बताऊँ तो टाइम हो चुका है 11:33। और भैया क्या आज ड्यूटी नहीं जाना तुमको? हाँ ड्यूटी कब जाओगे? जल्दी उठो, अरे जल्दी उठो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और भैया यहाँ पे देखो लेते हुए हैं, और इसका रीज़न ये है इसका रीज़न, एसी चला के। भाभी क्या कर रहे हो, भैया को उठाओ, भेजो उसको ड्यूटी पे, ऐसे तो वो जाएगा ही नहीं, आलस बन जाएगा बस। जल्दी जाओ, क्या कर रहे हो? चलो खाना खाते, मैं आऊँ? हाँ मैं आऊँ, अभी खाना लग चुका है ना, ये भी यही से कहीं नहीं जाएगा। मैं आऊँ, आ जाओ खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, आ जाओ खाना खाएंगे। मैं क्या कर रहे हो तुम बाहर, इधर उधर इधर उधर? अचार, अचार दे दो थोड़ा सा खा लेंगे। क्या क्या बनाया आज? ये कौन सी सब्जी है? आलू। ये कौन सा है? परवल बोलते हैं। परवल, परवल। चलो जो भी है आज ये है, और दाल है साथ में ना, एकदम सिंपल सोबर खाना, और साथ में किस्ती। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आपने खाया नहीं खाया मेरे को बताना, ये आपका क्या, मैं आपको बता दूँ, जो कद्दू होता है ना, कद्दू कद्दू जब पेड़ पे लगता है तो उसके ऊपर एक फूल आता है, फूल, ये फूल कद्दू होने से पहले का फूल है, और ये फूल तोड़ के बेसन से बेसन लगा के फ्राई करते हैं, उसके बाद टेस्टी, इतना टेस्टी कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो। आपने कभी खाया है? नहीं खाया बताना। मैं आओ, तुम नीचे उतरो पहले। खाना भी ना खा के ऐसा आलसी आलसी हो रहा है, ये कहीं निकल के जाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर इतना धूप है, ऊपर से अंदर इतना मौसम बढ़िया चल रहा है। भैया भी सो रहा था, भैया से लड़ाई कर रहा था मैं, और भैया से लड़ाई करने के बाद बिस्तर का हालत देखो क्या हुआ है। बिस्तर यहाँ से सीधा नीचे चला गया है, वहाँ से भी निकल गया था, मम्मी ने उसको उठाया अभी। फिर इसको क्या करे क्या ना करे वो देखना पड़ेगा। इसमें एक डंडा होता है ना, वो डंडा शायद गिर गया नीचे, टूट गया, वो ठीक करना है अभी। मतलब बिस्तर में सोने का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि बिस्तर टूट गया। बिस्तर को ठीक करते हैं, उसके बाद निकल के चलना है, क्योंकि मेरा जो ब्लॉगिंग का सेटअप है, आप लोग को थोड़ा सा क्वालिटी में इशू आ रहा है। तो आप लोगों ने बहुत उन्हें कमेंट भी किया है कि भैया आपका पिक्चर क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रहा, आपका साउंड क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रहा, तो फिर इसको भी एक अपग्रेड करना है, साउंड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी आप तक अच्छे से पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ा कोशिश करते हैं इसको अच्छा करने की, थोड़ा अपग्रेड करने की। और अपग्रेड करना क्या, एक आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, अभी घर से निकलेंगे तभी तो कुछ खरीद पाएंगे, तो घर से निकलना तो ज़रूरी है। एक्चुअली मैं सैमसंग के फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी, आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये वाला फ़ोन है, सैमसंग S23 Ultra। ये कोई मामूली फ़ोन है नहीं वैसे, ये बहुत हाई परफॉर्मेंस फ़ोन है, लेकिन इसमें भी वो वाला क्वालिटी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलो इस फ़ोन को छोड़ूंगा तो नहीं, इस फ़ोन को देने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक अपग्रेड करने का मकसद ज़रूर है। एक आईफोन लेने का दिमाग में प्लानिंग चल रहा है, अगर सब कुछ सही रहेगा, दुकान चलते हैं पहले, प्राइस वगैरह पता करते हैं, सब कुछ सही रहेगा तो फिर आज अपग्रेड कर लेंगे अपने लिए।
और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आईफोन नहीं है या फिर मैं आईफोन से ब्लॉग नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक आईफोन है, ये वाला जो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, ये 14 प्रो मैक्स है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रहा है, बीच बीच में ऑटोमेटिक में वीडियो करता, वीडियो अपने आप बंद हो जाता है, वीडियो कुछ कोई वीडियो शूट नहीं होता, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे साथ ये सब कुछ दिनों से चल रहा था कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, घर जाके फाइल ढूंढता हूँ, फाइल मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैंने वो वाला फ़ोन छोड़ ही दिया है, ऐसे वो वाला फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसको एक्सचेंज करने के लिए लेके जाएंगे, अगर एक्सचेंज में अच्छा प्राइस मिल गया तो एक्सचेंज कर लेंगे, नहीं तो इसको वापस ऐसे ही घर लेके आ जाएंगे। देखते हैं, पहले घर से निकलते, उसके बाद सारा कुछ होगा, घर में बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। चलो, तो मैं रेडी होकर जाने के लिए रेडी था, उसके बाद फिर से रेडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए चला गया था, क्योंकि घर में आया बहुत दिनों के बाद, टेस्टी खाना मिल गया, सारा खा लिया था, तो फिर से फ्रेश होकर आ गया अभी। और उसके बाद अंकुर को भी फ़ोन किया, अंकुर भी आ चुका है। और अंकुर को फोन करने का रीज़न ये है कि घर में दो बाइक है, तो एक बाइक लेके भैया आना जाना करते हैं ऑफिस से, और दूसरा बाइक घर में रहता है। और कल क्या हुआ, आप लोगों ने देखा ही, बारिश आ रहा था तगड़ा, और भैया हमारे साथ गाड़ी में बैठ के घर चले आए, बाइक वहाँ पे ही छोड़ दिया, और दूसरा बाइक लेके आज भैया चला गया ड्यूटी पे, और घर पे एक भी बाइक नहीं है, और भैया के ऑफिस में दो दो बाइक हो गया। और इसकी वजह से मैं कहीं पे निकलने के लिए कोई भी बाइक वगैरह नहीं है घर पे, तो अंकुर को फ़ोन किया कि फ्री हो तो आ जाओ। अंकुर ने बोला कि अभी आ रहा हूँ, और अभी आ रहा हूँ जैसे बोला अंकुर पहुँच भी गया। तो फिर अभी निकलते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहा है। अच्छा, चलो मैं भी एकदम रेडी हो गया, और टाइम बताओ आपको 12:42। घर से निकलने का प्लान था थोड़ा जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में 1 बजने वाला है अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1 बजे अभी लेट नहीं हुआ है, निकलते हैं। चलो अंकुर, चलो चलो आ जाओ। और घर से निकलने से पहले मम्मी ने मेरे को और एक चीज़ याद दिलाया कि भाई घर से निकल रहे हो, जल्दी आना, साथ में बाल काट के आना। तो देखते हैं, अगर पार्लर मिलेगा तो फिर बाल काट लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं क्या है। चलो बाय। हमारा ये इतना शैतान है ना, इतना मजे करता है, इतना खेलता है, अभी भी देखो उसको अभी खेलना है। बाय बाय, आके खेलेंगे अभी, ठीक है, अभी सो जाओ। सोने में माहिर है, एक नंबर सोने में, थप्पड़ ऐसा थप्पड़ मारते हैं ना कभी कभी, बताओ मैं। हे सूर्य देवता, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत खराब हो रहा है भाई, आंखों से आंसू आने वाला है, ऐसा हालत है, ऐसा धूप है, ऐसा। चलो अब जो भी है सहना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक चीज़ बढ़िया हो गया कि कपड़े धो दो तो फिर 1 घंटे में सूख जाएगा एकदम कड़क। चलो हम दोनों निकल गए स्कूटी पे, और ऐसा खतरनाक वाला धूप ना आपको मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा गर्मी। एक्चुअली बात यह है, यहाँ पे जो गर्मी है वो दिल्ली से तो कम ही है दिल्ली के मुकाबले, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है, हुमस बहुत है, इसकी वजह से ऐसा पसीना आता है, ऐसा पसीना, और चिप 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 रहता है, और बहुत ही इरिटेटिंग लगता है वो। तो घर से तो मैं निकल गया था, लेकिन जहाँ के लिए निकला था वहाँ जाने से पहले अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर लिया, और उनसे बात हुआ, अभी वो लोग भी थोड़ा सा आगे ही है, तो पहले जाएंगे उनसे मिलेंगे, उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है, शायद वो लोग भी चले जाए, तो पहले जाके उनसे पहले मिलते हैं। और रास्ते का हालत ऐसा है कि तो क्या ही बोले। ऐसा मौसम, ऐसा धूप, क्या ही बोले आप लोग को। अंदर बैठते थोड़ा सा एसी वगैरह है, अंदर बैठते, उसके बाद सबसे बातें बातें करता है यहाँ पे रहता। हाँ बढ़िया, गिरेगा तो नहीं ना। हाँ मस्त भाई, अंदर आते ही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मौसम बदल गए। यहाँ पे तो ऐसा एसी लगा हुआ है, आयुध ने अपना स्टूडियो खोल कर रखा है, स्टूडियो में ऐसा ठंडक महसूस हुआ ना अंदर घुसते ही, मतलब अलग ही फील हुआ। स्कूटी में आके जो फील हुआ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो ना ही वो याद करना चाहता हूँ मैं। और इतना गर्मी में गरम गरम चाय का मजा ही कुछ अलग है, अभी गरम गरम चाय मंगवाया है, चाय पियेंगे मस्त, उसके बाद सब लोग निकल के जाएंगे। एक दो काम है, इनका भी थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, दोनों बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पे बीजे के है, यहाँ पे आयुब है, और क्या प्लानिंग है आपको धीरे धीरे बताएंगे। और एक खतरनाक तगड़ा सरप्राइज आने वाला है मेरी तरफ से, बहुत जल्दी तगड़ा सरप्राइज आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था एक सरप्राइज का अनाउंसमेंट करेंगे, तो इसी वीडियो में आप लास्ट तक आपको अनाउंसमेंट कर देंगे जो सरप्राइज किया है। पहले चाय पीते हैं। चलो पहले मेरे को ये बताओ, आयुब सिखाया किसने तुमने सारा कुछ? हाँ साहब, एक्चुअली आयुब टैटू आर्टिस्ट है, और आयुब टैटू वगैरह बनाता भी है, लेकिन अभी पार्लर थोड़ा सा बड़ा करके खोला है टैटू पार्लर, और यहाँ पे वो सिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। और आप कितने दिन से यहाँ पे सीख रहे हो? दो महीना हुआ है। और इनका पैर में दिखाता हूँ मैं अभी, देखो भाई अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, ये तो अलग चीज है, लेकिन इनके पैरों में देखिए ये किसने बनाया। आयुब दो स्टूडेंट हैं, इसे और आक्रम के। ओके ओके
मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट की स्किन पे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा अगर प्रैक्टिस में ऐसा रिजल्ट आया है, जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनको तो कैसा बनेगा? खतरनाक आप देखने मजा आएगा। मतलब टैटू एक ऐसा आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता, लेकिन हर किसी के दिल में रहता है। और तो हर किसी तो नहीं बोल सकते, बहुत बहुत लोगों को अच्छा लगता है टैटू बनाना भी और देखते हुए भी। मेरे को देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन बनाने में थोड़ा डर लगता है मेरे को, इसलिए मेरे बॉडी पे टैटू नहीं है। लेकिन कभी ना कभी बनाएंगे जरूर, कभी ना कभी बनाएंगे। मजा आ गया, देख के मजा आ गया। चलो अभी पार्लर से हम लोग निकल गए और बाहर निकलते ही एसी से बाहर आते ही ऐसा भपका लगा, गर्मी का भपका। चलो भपका तो सह लेंगे। और अभी जहाँ आ रहे हैं वो बताते हैं आपको। आयुब हमारे भाई आयुब ले रहे हैं गाड़ी, नया गाड़ी की तलाश में था वो। तो मैंने बोला कि मेरा भी एक दो जानकार है वहाँ, चलते हैं। चलो डिस्कशन कर रहे थे दोनों पीछे के और बैठ के, ऑलरेडी बहुत जगह देख भी लिया उन्होंने। तो मैंने बोला कि मैं भी दिखाता हूँ, चलो एक दो जगह भी जा रहे हैं, नज़दीक ही है यहाँ से। तो गाड़ी देखेंगे, जौन सा गाड़ी उसको पसंद आएगा वो ले लेंगे और बहुत जल्दी। चलो चलो आयुब सीयर्स भाई साहब। तो ऐसा अभी गाड़ी देखने जा रहे, गाड़ी लिया नहीं है, उसकी खुशी में रेडबुल भी ला दिया। अब तो हम गाड़ी लेंगे, उसके बाद तो क्या होगा पता नहीं। चलो तो चलो हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए और गलियों से जा रहे हैं हम लोग। गलियों से होके हुए मेन डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। मेन रूट इसलिए स्किप किया क्योंकि मेन रूट पे था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम और इस गर्मी में ट्रैफिक जाम में फंसने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए गलियों से डाल लिया। गलियों से होते हुए हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। चलो ऑलमोस्ट पहुंच भी गए हम लोग। आए थे हुंडई के शोरूम और हुंडई के शोरूम पहुंच गए अभी। कौन सा लेना है, ये वाला ले ले क्या आयुब? ले ले, आयुब का एक पर्सनल फेवरेट गाड़ी है, वही देखने हैं हम लोग। वो अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो दूसरे शोरूम में देखेंगे, है कि नहीं? चलो भाई, गर्मी कैसा है? बढ़िया गर्मी है, खतरनाक वोल्टेज नहीं दिखा वोल्टेज देखा है ना बाहर, बढ़िया गर्मी है ना, वोल्टेज बढ़िया है। सिर्फ हमको गर्मी नहीं लगता, इनको देखो भाई साहब, हमारे बिल्ली मौसी कितने आराम से सो रही है यहाँ पे शोरूम के अंदर। सब अपने अपने काम पे बिजी है, सब अपने अपने काम पे, सब अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रही है। चलो सो जाओ, गुड नाइट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और करो फुजली। चलो भाई पसंद हुआ? ओ भाई साहब, इतना धूप, इतना खतरनाक धूप, क्या हुआ भाई? आयुब को गाड़ी दिखा दिखा के थक गया, आयुब को गाड़ी पसंद ही नहीं आ रहा। अभी और एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे इनका ही पार्किंग है, बहुत सारा गाड़ी है उन्होंने बोला, तो वहाँ पे गाड़ी देखने जा रहे हैं। वहाँ पे अगर गाड़ी पसंद आएगा तो यहाँ पे आके फाइनल करके चला जाएंगे। खतरनाक धूप है, इसी वहाँ पे सनग्लास लगा लेते हैं। चलो भाई, ऊपर जितना भी गर्मी हो नीचे भी थोड़ा गर्मी हो रहा है, इसका रीज़न ये है। धूप तो है ही है, धूप अलग चीज़ है, लेकिन नीचे गर्मी होने का रीज़न है। देखो पार्किंग देखो, कितना सारा गाड़ी है हॉट। और आयुब को एक गाड़ी पसंद भी आ गया, कौन सा गाड़ी पसंद आया आपको थोड़े दिन बाद बताएंगे। आयुब जल्दी लेने वाला है, बता दूँ क्या? अभी नहीं ना, क्या करे, सब सस्पेंस खेलते हैं। एक्चुअली क्या, जब तक अपने जेब से अपने जेब से पैसा जाता नहीं है ना, जब तक अकाउंट खाली नहीं होता अपने जेब से, गाड़ी वालों को पैसा चला नहीं जाता, तब तक बोलने का मन भी नहीं करता। मैं भी ऐसा ही हूँ। चलो पेमेंट वगैरह करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कौन सा गाड़ी लेते हैं, उसके पेमेंट वगैरह करके आपको उसके पहले दे देंगे। गर्मी बहुत है ना। तो बीजे के और अंकुर यहीं पे खड़ा हो रहे थे क्योंकि अंदर गए नहीं लोग, इतना ज़्यादा गर्मी है। हमारे आयुब भाई के लिए हम लोग गाड़ी देखने आए थे और आयुब भाई खुद कंफ्यूज है कौन सा गाड़ी ले कौन सा ना ले। वो अभी पीछे जाके गाड़ी देख रहा है, चॉइस कर रहा है। जब चॉइस हो जाएगा तो भाई हम लोग चले जाएंगे। जो मेरा काम है फ़ोन खरीदने का, आज दिन में जिस काम से निकले थे वो काम अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ से निकलेंगे सीधा फ़ोन लेने के लिए, कौन सा फ़ोन लेते नहीं लेते देखते आपको। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे हमको कुछ दिख गया, कुछ अलग चीज़ वो दिखाते आपको अभी। जो मैंने आपको बाहर अभी बिल्ली दिखाया था ना, उसका बच्चे भी है यहाँ पे, देखो कितना क्यूट क्यूट बेबी है। मैं हूँ, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ, आपका मम्मी कहाँ गई है? इतना छोटा छोटा, एक दो अच्छा अंदर भी है, एक तीन है, टोटल तीन बिल्ली है यहाँ पे और इतना क्यूट क्यूट बेबी है। बाय। तो मैंने अभी इनको पूछा कि ये बिल्ली किसका है, यहाँ पे क्यों है? तो इन लोगों ने बोला कि हुंडई का ही बिल्ली है, हुंडई का बिल्ली। सोचो, मैं हूँ, बाय बाय मैं हूँ, आप लोग बड़े हो जाओ, उसके बाद आप लोग हुंडई में नौकरी करना, गाड़ी चलाना यहाँ पे नया नया। चलो देखते देखते हो गया शाम और यहाँ से हम लोग जाने वाले थे कहीं और एक लोकेशन पे, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए दो हेलमेट चाहिए होगा और अंकुर लेके आया था एक ही हेलमेट, वो भी पहन के हम लोग आए थे। लेकिन स्कूटी लेके इससे नहीं जा रहे अभी, यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैंने सोलह भैया को बोला कि गाड़ी दे दो, अभी आते जाके तो गाड़ी अभी लेके जा रहे हैं, स्कूटी यहीं पे रख के जाएंगे। स्कूटी कहाँ रखोगे, यहीं पे रखोगे या फिर घर पे रखोगे? घर में
तो स्कूटी और गाड़ी दोनों लेके चलते हैं, स्कूटी इसके घर पे रख देंगे, उसके बाद गाड़ी लेके वहाँ जाएंगे। चलो शुक्र है, सोलेंडा को मैंने एक बार बोला कि एक गाड़ी चाहिए था, हमें थोड़ा सा आगे जाना है एक्चुअली काम से। सोलेंडा ने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ गाड़ी। तो गाड़ी लेके मैं निकल गया और अंकुर अपने स्कूटी पे आ रहा है क्योंकि रास्ते में उसका घर पड़ेगा, घर पे वो अपना स्कूटी छोड़ेगा और उसके बाद दोनों बैठ के गाड़ी में जाएंगे मेन काम के लिए। चलो भाई, एक चीज तो मानना पड़ेगा, होंडा का गाड़ी है तो बहुत स्मूथ। ये होंडा का आपका नियोज है, नया वाला i10, और इतना स्मूथ लग रहा है ना चलाने में, इतना स्मूथ कि पूछो ही मत, मक्खन एकदम। चलो फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं, अंकुर ने अपना स्कूटी रख दिया घर के पास में ही, ये भी घर नहीं गया स्कूटी रखने के लिए, घर के पास में ही स्कूटी लॉक करके रख दिया इसने। और आपको मैं टाइम बताऊं तो फिर 18:24 मतलब 6:24 चारे से होने वाला है। और इस फोन में वीडियो करने से ही दिक्कत है, आपको थोड़ा क्वालिटी में कम नजर आ रहा होगा क्योंकि रात को वीडियो करने के लिए फ्लैशलाइट जलाना जरूरी होता है, लेकिन इस मोबाइल पे क्या है, फ्लैशलाइट जला के वाइट एंगल में वीडियो नहीं बनता है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी नहीं पता, सारा सेटिंग्स मैंने इधर से उधर कर दिया। आप लोग को किसी को अगर नॉलेज हो तो फिर इसके बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना कि सैमसंग S23 Ultra में ये प्रॉब्लम है या फिर सेटिंग में कहीं जाके ये ऑन कर सकते हैं हम लोग कि वाइट एंगल में वीडियो बन रहा है और साथ में फ्लैशलाइट भी ऑन है, ये कहीं पे है सेटिंग में या नहीं है यार, किसी को नॉलेज हो तो फिर बताना कमेंट में। अभी निकल अपने डेस्टिनेशन की ओर। चलो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दिया है और आके हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैंने 3-4 जगह फोन किया था, कहीं पे भी 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे बोला कि आप आ जाओ, हम अरेंज कराते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, आप आ जाओ बस। तो मैं पहुँच गया, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पहले दुकान के अंदर पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताते हैं। तो बिट्टू भाई कैसे हो, बढ़िया ना? अरे थैंक यू, आपको बुरा लगा लेकिन मेरे को अच्छा लगा, मैं पतला हुआ हूँ, बिट्टू भाई को खराब लगा लेकिन मेरे को अच्छा लगा है। बाकी फोन वगैरह हम लोग देख रहे थे, बिट्टू भाई को मैंने बोला था कि फोन वगैरह हो सकता है कि बिट्टू भाई बोला आ जाओ देखते हैं। बिट्टू भाई ने कोई अरेंज तो करके रखा था 15 प्रो, लेकिन 15 प्रो के साथ 512 या फिर 1 डे अवेलेबल नहीं मिला, 2-4 दिन में आ जाएगा, तब तक के लिए मुझे इंतज़ार करना है। और तब तक के लिए बाकी क्या फ़ोन ले, क्या फ़ोन देखे पता नहीं, जिस काम के लिए आया था वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल परसों में आ जाएगा। मैं आते ही आपको कॉल करता हूँ। आते ही कॉल करेंगे, और कहीं भी अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सारी जगह मैंने मालूम कर लिया यहाँ भी नहीं है। चलो यहाँ पे एक दो पीस मेरे को दिखा तो सही, बाकी जगह तो है भी नहीं, देखते क्या करते हैं। चलो भाई हम लोग दुकान से तो निकल गए अभी, और निकलने के बाद मतलब वहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्यों ही आया इस दुकान पे, ऐसा मतलब क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ से निकलते हैं और घर की ओर चलते हैं। मतलब मुझे ना फ़ोन देखने आ रहा था, ना फ़ोन एक्सचेंज करने आ रहा था, ऐसा वैल्यू जिंदगी में सुनने का मन नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हर किसी का एक एक अलग अलग बिजनेस है। चलो हम जहाँ पे कंफर्ट फील करेंगे वहाँ से परचेस करेंगे, नहीं तो जय राम जी। आज जिस काम के लिए आए थे वो काम तो करने गए और ऐसा हुआ, मतलब मूड ही थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हर किसी का अलग अलग बिजनेस है तो हम तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं आपको बोलना नहीं चाहता कितना रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाकी अभी जा रहे हैं, इस गाड़ी में थोड़ा बहुत काम कराना है। चलो सोलेंद्र ने मेरे को गाड़ी लेके भेजा और बोला कि ये थोड़ा बहुत काम है, ऑलरेडी मैंने बात करके रखा है, तुम अगर गाड़ी लेके गए हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर काम करा के लाना। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम तो फ्री है, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली कराएंगे। और सोलेंद्र ने ये भी बोल दिया कि अगर लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी अपने पास ले जाना, कल परसों जब भी मन हो दे देना। मैंने बोला ये तो और बढ़िया बात है, अभी चलते हैं अपनी लोकेशन की और अपने डेस्टिनेशन की और जहाँ पे सोलेंद्र ने बोला है कि जाने के लिए, और देखते हैं क्या क्या काम कराना है। तो चलो आके हम लोग पहुंच चुके हैं कार प्लेनेट, और यहाँ पे आके लाइट वगैरह चेक कर रहे थे, यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें यहाँ पे बैठ कर लाइट वगैरह यहाँ पे देख रहा था। तो ऑलरेडी मैंने लाइट वगैरह सिलेक्ट कर लिया अपने, तो ऑलरेडी मैंने लाइट वगैरह सिलेक्ट कर लिया था गाड़ी के लिए, तो अभी लाइट इंस्टॉल करवाएंगे उसके बाद ले चलेंगे। तो राहुल भैया ये वाला लाइट लगा रहे हैं हम लोग पावर के लिए, सबसे बेस्ट जेनोम है आज के डेट में मार्केट में। ओके, आप एलईडी ले लो ना, उसमें सबसे प्रीमियम ब्रांड जेनोम। ओके, तुमने बताया कि अपने को लगाना सबसे बढ़िया, तो मेरा फर्स्ट नाम आया मुंबई जेनोम। बात तो सही है, वैसे राहुल भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि जेनोम लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और रोशनी ऐसा आएगा कि ड्राइविंग करते हुए आंखें सौंधिया जाए, मतलब ऐसा रोशनी। चलो इसको पहले गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे रोशनी कैसा आ रहा है। एक्चुअली मेरे को सोलन ने टायर चेंज करने जो दिया है, इसका मेन रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, मेन रीज़न क्या है।
चला के गाड़ी कहीं पे लगाया था, पत्थर पे चढ़ाया था, क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अलग ही हिस्सा बना हुआ है और इसकी वजह से टायर ऐसा कंडीशन में है अभी कि कभी भी फट सकता है ये। तो गाड़ी का काम तो होता रहेगा, गाड़ी हमने वहाँ पे रख दिया और हम लोग अभी थोड़ा आगे आके निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे आने का रीज़न है कि लग रहा तगड़ा भूख, सुबह से खाना खा के निकले थे, वही चीज़ से अभी काम चल रहा है, लेकिन वो वाला एनर्जी अभी थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगा है, तो एनर्जी फिर से डालने का टाइम आ गया है। तो सुबह खाना खाया था 10-11 बजे और अभी टाइम हो चुका है 7:30। चलो कुछ खाते हैं भाई, क्या मिलेगा वैसे यहाँ पे, या तो कुछ नहीं है। तो चलो हम लोग को यहाँ पे एक दुकान मिल गया था, हमने फ्राइड राइस बोल दिया और भैया ने बना भी दिया ऑलमोस्ट। तो भैया यहाँ पे फ्राइड राइस बना रहे हैं और इसको देखो तब से इधर ही देखते जा रहे हैं। भाई यहाँ आ जाओ, मिल जाएगा, आ जाओ आ जाओ। भाई देखो बात ऐसा है, सबर का फल मीठा होता है ना, थोड़ा सबर करना आना चाहिए, बैठे रहो आराम से आ जाएगा। देखो ये भी तब से सबर करके बैठा हुआ है। हेलो दोस्त, आ गया, बोला था ना मैंने सबर का फल मीठा होता है, आ गया, आ गया। चलो एंजॉय। तो ये है लाइट का डब्बा जेनॉन का और ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करवा दिया यहाँ पे। भैया कोई चला के दिखाइए रोशनी कैसा आएगा। ओ भाई साहब तगरी, खतरनाक वाली, मस्त, बढ़िया भैया बढ़िया, फर्स्ट क्लास काम हुआ है। तो आप जितना भी अंधेरा हो, जितना भी दूर क्यों ना हो, गाड़ी लेके भागते रहो। तो गाड़ी का हेडलाइट तो चेंज हो गया है, फॉगलाइट भी अभी चेंज होना बाकी है, फॉगलाइट चेंज हो रहा है और यहाँ पे तो तीनों टायर चेंज हो चुका है, ये लास्ट टायर था ये भी चेंज हो गया, ये भी फिट होगा, जय घटेगा, उसके बाद गाड़ी एकदम रेडी। चलो अपना काम फाइनली हो चुका है डन, आपको दिखाते हैं इसके बाद रिजल्ट क्या लगाया हमने वैसे। चलो भैया कर दीजिए ऑन, सामने फेंक दीजिए रोशनी। ओ भाई साहब ये हेडलाइट है, इतना सारा रोशनी है, मजा आ गया। ये तो पूरा पूरा बन कीजिए सारा, ये तो पूरा अंधेरा है, फिर से ऑन कीजिए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई साहब, खतरनाक वाला। सोलन भैया खुश हो ना हो मेरे को नहीं पता, मैं तो भाई जबरदस्त फैन बन गया, मैं तो खुश हो गया, क्या लाइट है। चलो राहुल भैया थैंक यू सो मच, ओके डन। अब चेक करो पावर कैसा लगता है, पावर खतरनाक, हमने चेक कर लिया, खतरनाक रोशनी है, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा राहुल भैया ने एक गिफ्ट भी दिया है, एक्चुअली मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा था, राहुल भैया ने बताया कि वीडियो बना रहे हो, अच्छा लगा, अच्छे से दिखा देना सब कुछ, मैंने बोला अगर जेन्युइन काम अच्छा होगा तो जेन्युइन दिखाएंगे, अगर काम जैसा होगा वैसे दिखाएंगे। तो अच्छे से वीडियो वगैरह किया, काम बढ़िया हुआ, मज़ा आ गया, उसके बाद परफ्यूम एक गिफ्ट भी मिला, चलो वीडियो बनाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। पेमेंट वगैरह सारा क्लियर हो गया, बस यहाँ से निकलने वाले थे और निकलने के साथ ही मेरे को दूर से नज़र आया शिव जी के ऊपर, हाँ शिव जी का यहाँ पे शिवलिंग और शिव जी बैठे हुए हैं, तो इसको भी लेने का प्लान बन गया, मेरा दिल पे आ गया, कुछ अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, चलो इसको भी ले लेते हैं। तो भाई मैं कार प्लेनेट पे पहले भी आया हूँ लेकिन इस बार का भी एक्सपीरियंस बढ़िया था, मतलब यहाँ पे जब भी आते हैं एक्सपीरियंस बढ़िया होके जाता है। तो अभी यहाँ से निकल, शिव जी को भी अपनी जगह पे बिठा दिया हमने, मेरी तरफ से सोलन भैया के लिए बढ़िया सा गिफ्ट, उनको बताएंगे नहीं अभी, सीधा गाड़ी ले जाके कल देंगे और सरप्राइज कर देंगे, मस्त। चलो हम लोग वापस से निकल गए अपने घर की ओर और गाड़ी चला के जो मजा आ रहा है ना यहाँ पे देखिए, लाइट का रोशनी के तगड़ा रोशनी आ रहा है, मतलब अच्छा रोशनी थ्रो कर रहा है लाइट, तो गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, गद्दे वगैरह सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और ये नॉर्मल लाइट है। मैं आपको अगर हाई बीम चला के दिखाऊं तो यह है हाई बीम और फॉग लाइट जलाऊं तो यह है फॉग लाइट, मतलब फॉग लाइट और हेडलाइट अगर एक साथ जल जाए तो पूरे रास्ते में आप लोग फुटबॉल खेल सकते हो, इतना ज़्यादा रोशनी हो जाता है, खतरनाक। और एक बढ़िया बात ये भी है, जो मैंने ये जेनॉन का लाइट लगाया ना, इसमें 2 साल का वारंटी है, तो 2 साल तक कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर टॉम क्रूज को पहले अभी जाके ड्रॉप करते हैं उसके बाद अपने घर चलेंगे। तो टाइम हो चुका है 21:47, 10 बजने में अभी भी 13 मिनट बाकी है घर, तो घर पहुंचते पहुंचते 10:30 तो हो ही जाएगा। चलो घर लोगों से मिलता हूं घर पहुंच के, लेट्स गो। फाइनली आके मैं घर पहुंच चुका हूं, आगे वहां पे मैंने गाड़ी रख दिया है और उसके बाद पैदल पैदल आ रहा हूं। और यहां पे देखिए कैमरा क्वालिटी इतना ज़रा गंदा आ रहा ना, क्या ही बताऊं मैं आपको, एक्चुअली बिना फ्लैश के कुछ दिखता नहीं है और फ्लैश के साथ पूरा धुंधला धुंधला आ रहा है, पता नहीं क्या होगा इस कैमरे का, इस फ़ोन का। चलो घर पहुँचते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलो आके मैं घर पहुँच चुका हूँ और घर पहुँचते ही ऐसा शौक हुआ, ऐसा सरप्राइज हुआ, और क्यों सरप्राइज हुआ आपको दिखाता हूँ मैं अभी। सबको देखो, सब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे एसी चल रहा है, मतलब
इतनी गर्मी है, मतलब आपको दिखाया स्कूटी पे दिन भर इधर से उधर उधर से इधर घूम रहा था, और मैं आपको बता भी रहा था आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो गर्मी सच्ची में था, और सब लोग एक एसी के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वाले कमरे में थोड़ा सा माहौल बढ़िया बना रहता है। यहाँ पे भाभी, पूजा, मम्मी, और मैंने बोला था घर के सारे बंदे यहाँ है, और लेकिन पापा कहाँ है? पापा तो है ही नहीं इस कमरे में, लेकिन पापा भी है। मम्मी पापा कपड़े ठीक करने चले गए, यहाँ पे देखो कहाँ लेते हुए हैं, एसी के नीचे पूरा पूरा एसी के नीचे पापा यहाँ पे काम काम से आने के बाद यहाँ लेट गए, या फिर हाँ तब से काम से आने के बाद तुरंत। हाँ चलो बढ़िया है, एक एसी है घर में, सब लोग एक एसी के नीचे इकट्ठा होते हैं। और ये एसी भी पहले नहीं था वैसे, आप लोगों को पता है जब मैं पिछली बार आया था ना, पिछले साल आया था, तब मैंने ये एसी लगवाया था, इंस्टॉल करवाया था। लेकिन ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि पैसा तो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में काम तो आ रहा है, घर में राहत की सांसें तो ले पा रहा है। हाँ ये भी तो हमारा फैमिली, ये भी तो अंदर है, ये भी तो इस कमरे में ही है, ये बिना एसी के कहीं नहीं रहता आजकल। यहाँ पे एसी मतलब ये कमरा इसका है, हम इसके कमरे पे रहते हैं, हमारे कमरे में नहीं रहता। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, ये ऐसा थप्पड़ मारता है ना, ओ तेरी काटेगा क्या तू, हाँ काटेगा, आज तुम्हारे जैसा बिल्ली देखा मैंने, पता है तेरे जैसा बिल्ली देखा। तुम्हारी उम्र में लोग हुंडई के शोरूम पे काम कर रहे हैं, कार के शोरूम पे काम कर रहे हैं, और तुम निखट यहाँ पे घर पे परे परे एसी का हवा खा रहे हो, आलसी। हाँ आलसी, तुम्हारी उम्र में दूसरी बिल्ली क्या कर रही है देखा है? हाँ तुम्हें बस थप्पड़ मारना आता है, एसी का हवा खाने आता है, और कैट फूड खाना आता है। हाँ मैं दूसरी बिल्ली को देखो क्या कर रही है, मैं भी मारूंगा। अरे भाग गई, इसको कुछ नहीं आता, बस खेलना आता है, झगड़ा करना आता है, थप्पड़ मारना, थप्पड़ ऐसा थप्पड़ मारती है ना ये, देख सुन रहा है मेरी बात, सुन रहा है, मैं मैं गया पक्के गया आ गया। चलो खाना पीना खा के हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी बिल्ली मौसी भी खाना पीना खा के सोने की तैयारी, क्या सो ही चुकी है ये, लेकिन तुमको यहाँ सोने को नहीं मिलेगा बिल्ली मौसी, तुमको बाहर जाना पड़ेगा, सुन रहे हो मेरे बात? नहीं, हमारे बिल्ली का नाम है म्याओ, हम इसको प्यार से बुलाते हैं म्याओ। आप लोगों के पास अगर बिल्ली है तो फिर आप लोग भी अपने बिल्ली का नाम कमेंट सेक्शन में बोलना, बिल्ली हो, डॉगी हो, कोई भी पालतू जानवर हो, पेट हो, मतलब सबका नाम आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं सबका नाम पढ़ूंगा, जिसका नाम यूनिक रहेगा उसको स्पेशल रिप्लाई मिलेगा कमेंट पे। बाकी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बोला था ना, एक सरप्राइज आने वाला है, तगड़ा सरप्राइज आने वाला है, मैंने आपको जो बोला था, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, मैं एक पहला जिंदगी का पहला एक बाइक लेने वाला हूँ, कौन सा बाइक है, क्या अपडेट है, क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आने वाले 3-4 दिनों में, वो बाइक का डिलीवरी लेने वाला हूँ, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है, सोच रहा हूँ कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक बाइक ज़रूर खरीदने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा बाइक डिसाइड करता हूँ। मतलब जिंदगी में पहली बार का मतलब ये नहीं है कि मैं पहली बार बाइक खरीदने वाला हूँ, मेरे पास बाइक था पहले भी, बाइक का शौक तो बचपन से है, 2014 में मैंने पहला बाइक लिया था अपना Yamaha FZ, लेकिन ये होने वाला महंगा बाइक, सुपर बेबी बोल सकते हो आप लोग, कौन सा ले कौन सा ना ले थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन देखते हैं, ये कंफ्यूजन आने वाले 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे और अपने लिए एक बाइक ले लेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सोच के तो बैठे हैं, लेकिन हर बार सोचने वाला काम नहीं होता, लेकिन आशा करता हूँ जैसा सोचा है वैसा हो जाए, आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। चलो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो पर, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, टिल देन बाय बाय, टाटा।